हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने रसोई गीता की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। उसके लिए हमने लिया है पास्ता। इसको मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉईल कर लिया है। ये है हाफ कप हमारी मिल्क है 1 कप, और हाफ कप मलाई है, और ये है गार्लिक पिसा हुआ, ये कैप्सिकम है, ये अनियन है, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, और ये पिसी हुई है काली मिर्च। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल में हम डालेंगे ये लहसुन, और उसके साथ ही अनियन भी इसमें डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, और इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये हमने एक पैन में ले लिया है बटर। वो हमारी सब्जी फ्राई हो गई थी, हमने उन्हें साइड कर दिया है। एक पैन में हमने ले लिया है बटर। इसमें हम अब ऐड कर देंगे 1 कप दूध, और उस दूध में हम 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम हिलाते रहेंगे, और इसमें हम डालेंगे आधा कप मलाई, और उसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च पीसी हुई, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और ये सब्जियां थी हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे, और पास्ता ऐड करके मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा पास्ता हो गया रेडी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा क्रीमी पास्ता। खाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। लाइक, शेयर और कमेंट करना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।